कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है 19 नामों की, जिसमें नई दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। पहली लिस्ट में 19 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हुए हैं। 6 सीटों पर जल्द होगी प्रत्याशियों की घोषणा। जयपुर से ज्योति खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। वहीं बात करें बीकानेर से मदन गोपाल मेघवाल को टिकट दिया गया है। चुरू से झुंझुनू सीकर जयपुर अलवर भरतपुर, ऐसे कुल मिलाकर के 19 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा है वो की गई है। तस्वीर आपके सामने है, नामों की जानकारी आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से दी जा रही है। अलवर से जितेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, भरतपुर से अभिजीत कुमार जाटव को टिकट दिया गया है, करौली से संजय कुमार जाटव को टिकट दिया गया है, दौसा से सविता मीणा को टिकट इसमें दिया गया है। वहीं टोंक सवाईमाधोपुर से नमोनारायण मीणा को टिकट दिया गया, नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है। नई दिल्ली कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची को जारी सूची हो चुकी है। 19 नामों की सूची के अंदर नाम आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे रही हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस की 19 नामों की सूची को जारी कर दिया गया है और 6 सीटों को लेकर लगातार अभी मंत्रणा का दौर लगातार जारी है। ये सभी सीटें लगातार कांग्रेस ने जारी कर दी हैं। कांग्रेस की सीटें जारी होने के बाद में लगातार जहां पर पहले दौर चल रहा था कि कांग्रेस की लिस्ट कल सुबह आएगी, लेकिन कांग्रेस ने 25 नामों की जगह पर 19 नामों का ऐलान कर दिया है। 19 नामों के अंदर तमाम जो 19 नाम हैं आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। सीकर से सुभाष मेहरिया को टिकट दिया गया है, जयपुर शहर से ज्योति खंडेलवाल जो कि पूर्व महापौर रह चुकी हैं उनको भी टिकट दिया गया, चोरू से रफीक मंडेलिया को टिकट दिया गया है जो पूर्व विधायक रहे हैं, श्रवण कुमार पूर्व विधायक झुंझुनू के उनको भी टिकट दिया गया है, सीकर से सुभाष मेहरिया जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनको टिकट दिया गया। तस्वीर आपके सामने है, किन किन को टिकट दिया गया है वो सभी नाम आपको टीवी स्क्रीन पर विद फोटो आपको दिखाई जा रहे हैं किन को टिकट दिया गया है। नागौर से ये नाम काफी चर्चित रहा है, नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है, जोधपुर से वैभव गहलोत, ये नाम भी लगातार हमने आपको बताया था, उसके बाद वैभव गहलोत भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। पहली लिस्ट में 19 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं, 6 सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। जयपुर से ज्योति खंडेलवाल, नागौर से ज्योति मिर्धा, अलवर से जितेंद्र सिंह, भरतपुर से अभिजीत कुमार जाटव को टिकट दिया गया है। टोंक सवाईमाधोपुर से नमोनारायण मीणा को टिकट दिया गया, नागौर से ज्योति मिर्धा, यह नाम काफी चर्चित रहा है, नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है। पाली से बद्रीराम जाखड़, जोधपुर से वैभव गहलोत, वैभव गहलोत आपको बता दें कि ये अशोक गहलोत के पुत्र हैं। बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, जालौर से रतन देवासी को टिकट दिया गया है, बांसवाड़ा से तराचंद को टिकट दिया गया, तो वहीं पर चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह को टिकट दिया गया। कांग्रेस की सूची लगातार जारी हो चुकी है, कांग्रेस की सूची का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि बीजेपी की सूची पहले ही जारी हो चुकी है और कांग्रेस की सूची का सभी को इंतजार था। पहले ये जानकारी थी कि ये सूची 26 जनवरी को राहुल गांधी के दौरे के बाद जारी कर दी जाएगी, लेकिन कुछ सीटों पर पेंच को लेकर के पेंच फंसे होने के चलते उसके बाद सूची को वापस से मंत्रणा के लिए डाल दिया गया और मंत्रणा होने के बाद आज 19 नामों की सूची का ऐलान हुआ है। वो सभी नाम जो 19 नाम आपके सामने हैं हम आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, नाम और जगह हम आपको बता रहे हैं कि कहां से किन्हें टिकट दिया गया है। जोधपुर से वैभव गहलोत को टिकट दिया गया है, बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। ये जो तमाम नाम है इनमें कई नाम ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हैं और पहचानते भी हैं। उदयपुर से रघुवीर मीणा को टिकट दिया गया है, बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा को टिकट दिया गया, चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह इस टिकट की लिस्ट में शामिल हैं, जहां पर 26 तारीख का जब ऐलान हुआ था तो सभी अपनी टकटकी निगाहें लगा करके टीवी स्क्रीन पर बैठे थे, लेकिन 26 तारीख को लिस्ट जारी नहीं हुई और आज जहां पर उम्मीद थी कि सभी 25 सीटों पर टिकटों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर 19 नामों को लेकर कांग्रेस ने अपना ट्रंप कार्ड खोला है। 19 सीटों पर कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, उसमें जितने भी नाम हैं वो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रहे हैं कि
कौन से नाम थे और वो कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस के लिस्ट का राजस्थान में हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, सभी ने अपने लोकसभा क्षेत्रों के अंदर टिकट लड़ने के लिए बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने भी सूची जारी कर दी है और अब कांग्रेस ने भी सूची जारी की है। जहां बीजेपी में कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है तो उसी तरह कांग्रेस के अंदर 6 सीटों को लेकर के मंत्रणा लगातार जारी है। उन 6 सीटों पर या तो अभी या कल सुबह या फिर आगे किसी भी समय पर उन 6 नामों की भी घोषणा हो सकती है। फिलहाल जो 19 नाम कांग्रेस ने जारी किए हैं उन 19 नामों की सूची आपके सामने है विद फोटो। आपको हम दिखा रहे हैं कि कौन कहां से लोकसभा चुनाव का टिकट लड़ेगा। इसमें एक बार फिर आप आपको बता दें कि इसमें जो लिस्ट शामिल हुई है इसमें कई नाम चौंकाने वाले हैं। जोधपुर से वैभव गहलोत को इसमें टिकट दिया गया है जो अशोक गहलोत के पुत्र कहे जाते हैं और वो अशोक गहलोत के पुत्र हैं। उसके अलावा बात की जाए नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है। तमाम नाम आपके सामने हैं कि 19 नाम कांग्रेस ने जारी किए हैं। 19 नामों की सूची आपके सामने हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि 19 नामों की सूची जारी की गई है। जालौर से रतन देवासी को शामिल किया गया है, उदयपुर से रघुवीर सिंह मीणा को टिकट दिया गया है, बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा को टिकट दिया गया, चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह इन्हें टिकट दिया गया है, कोटा से रामनारायण मीणा को टिकट दिया गया। कुछ समय पहले लगातार चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस की ओर से 25 नामों की सूची को जारी किया जाएगा, लेकिन 25 नामों की जगह 19 नामों की सूची को जारी किया गया है। 19 नामों की सूची के अंदर अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, ज्योति खंडेलवाल को इसमें शामिल किया गया है, जयपुर से भरतपुर से अभिजीत कुमार जाटव को टिकट दिया गया है। दौसा से सविता मीणा, टोंक सवाई माधोपुर से नमू नारायण मीणा को टिकट दिया गया है, ज्योति मिर्धा इन्हें नागौर से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा परिवार की ओर से आती हैं और वो अपने दादा नाथुराम मिर्धा की विरासत संभालने के लिए नागौर सीट से उन्हें टिकट दी गई है। वो नाथुराम मिर्धा की पोती कही जाती है ज्योति मिर्धा। बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा को टिकट दिया गया है। तमाम नामों की जो सूची है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि सूची जारी हो चुकी है कांग्रेस की ओर से, सूची जारी लगातार आपको आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिखाए आपको जा रहा है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं प्रीत। बताएं कि कांग्रेस ने आज 19 नामों की सूची को जारी कर दिया है, आखिरकार लंबे समय के बाद में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची को जारी किया है। बिल्कुल रौनक, जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची राजस्थान को लेकर जारी कर देगी, एक सीसी बैठक काफी लंबे समय तक चली और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि 18 उम्मीदवारों की पहली सूची को जारी कर दिया जाए। जैसे कि उम्मीद लगाया जा रहा था कि खुद मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत जो है इस बार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी उनकी तय मानी जा रही थी, ठीक उसी तरीके से अब जो है वो चुनाव लड़ेंगे, जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं खास तौर पे वैभव गहलोत। और जिस तरीके से भंवर जितेंद्र सिंह का नाम तय माना जा रहा था अलवर को लेकर, तो राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं भंवर जितेंद्र सिंह, अब उनका भी अलवर से चुनाव लड़ना पार्टी ने उनको जो है टिकट दे दी है। उसी तरीके से रघुवीर मीणा का उदयपुर से और बांसवाड़ा डूंगरपुर से, जिस तरीके से ताराचंद भदौरिया का नाम यहाँ पर एक तरीके से तय माना जा रहा था, एक लंबे समय से ताराचंद भदौरिया जीतते आ रहे, रिजर्व सीट है यहाँ पे बांसवाड़ा डूंगरपुर, और
तमाम कोशिशों के बाद पार्टी ने काफी लंबी मशक्कत के बाद ये कहा जाए कि कई दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद सीईसी बैठक दो दौर की और उसके बाद 18 उम्मीदवारों की सूची जो है कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। रौनक जी, प्रीत, बात की जाए तो किस तरह की रणनीति को सोच करके इस सूची को जारी किया गया, क्योंकि बीजेपी की सूची पहले ही जारी हो चुकी है और अब कांग्रेस की सूची इतने समय बाद उसे जारी किया गया है, क्या सोचा होगा इसको लेकर के? देखिए जिस तरीके से एक तो 16 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने जारी किए, खास बात ये रही कि नागौर सीट पर अब तक जो है बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं जारी उतारा है। सीआर चौधरी वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन मंत्री होने के बावजूद उनका टिकट, उनकी उम्मीदवारी अभी रोक दी गई है। ये कहा जाए कि वहां से पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में ज्वाइन करने वाले उम्मीदवार को इस यहाँ से जो है टिकट दी है, तो ये बड़ी बात है। जिस तरीके से ज्योति मिर्धा को टिकट दी गई है नागौर सीट से, इसको लेके कहीं ना कहीं पार्टी में लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब जबकि टिकट मिल गई है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, पार्टी एक बड़े जिस तरीके से कहा जाए कि रणनीति से पार्टी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी करौली धौलपुर से जिस तरीके से संजय जाटव का नाम लगभग तय माना जा रहा था और चूरू से रफीक मंडेलिया को जिस तरीके से टिकट दी गई है, पाली से बद्री जाखड़ एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, बद्री जाखड़ एक उनका ये कहा जाए कि एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। तमाम ऐसे बड़े नेता जिनका राजनीतिक अनुभव है, उनका अनुभव का यहाँ पर जो है फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। यही वजह है कि जो नए चेहरे लगातार पार्टी ये कहती आ रही थी कि नए चेहरों को जगह दी जाएगी, तो यहाँ कई जिस तरीके से ज्योति मिर्धा को जो है टिकट दी गई है, तो वो नए चेहरे उतारने, नए चेहरे लाने की बात जो की जा रही थी उसको कहीं ना कहीं पार्टी ने पूरी तरीके से जो है अपनाया है। जी प्रीत, बात करें जयपुर से, जयपुर से ज्योति खंडेलवाल को टिकट दिया गया है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ज्योति खंडेलवाल को जयपुर से टिकट दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी जयपुर से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में ज्योति खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, ज्योति खंडेलवाल को टिकट दिया गया। आज सुबह ही उन्होंने मुख्यमंत्री से दिल्ली आकर के मुलाकात की थी, उनके मुलाकात के बाद से ही ये चीजें तय मानी जा रही थी कि ज्योति खंडेलवाल की जो टिकट है वो करीबन ये कहा जाए कि उस पर कोई कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से समीकरण पेश किए मुख्यमंत्री के सामने ज्योति खंडेलवाल से ने दिल्ली आकर के, किस तरीके के समीकरण रहेंगे तमाम कैंडिडेट से, तमाम उम्मीदवारों से उनके समीकरण जो है पार्टी नेता सीईसी बैठक में या स्क्रीनिंग कमेटी में ये जानने का प्रयास करते कि पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, तो कांग्रेस पार्टी को या खास तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वो समझाने में कामयाब रही कि वो एक तरीके से जिताऊ कैंडिडेट है, उनके पास जो समीकरण है वो किसी और उम्मीदवार के पास नहीं, यही वजह है कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। फिर बात करें तो क्या इस बार जो लिस्ट जारी हुई है, अभी कांग्रेस की प्रथम लिस्ट जारी हुई है, इस लिस्ट में क्या जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है या फिर उन चेहरों पर भरोसा व्यक्त किया गया है जो कांग्रेस के अपने हैं? देखिए, अपने चेहरे होने के बाद साथ में ही जिताऊ उम्मीदवारों पे भरोसा जताया गया है, यही वजह है कि तमाम वो चेहरे जिनको पहली बार टिकट दिया गया है वो भी शामिल है। ज्योति मिर्धा जैसे नागौर सीट से उतारा गया है, इसके साथ ही वैभव गहलोत जो पहली बार जिनको टिकट दिया गया है, पार्टी अपने जो नेता हैं पार्टी उनको भी कहीं ना कहीं उन पे भी भरोसा जता रही है। जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं, जो जिताऊ उम्मीदवार है, एक वरिष्ठ चेहरा है, बड़ा नाम है पार्टी के लिए, उन पे भी पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके साथ ही नए जो चेहरे आए हैं जो पार्टी में हाल ही में शामिल हुए हैं लेकिन जिताऊ हुए, उन पे पार्टी ने भरोसा जताया है। तो ये कहें कि एक तरीके से पार्टी ने समन्वय बनाया है, किस तरीके से सामंजस्य बनाया जाए कि यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस भी हो पार्टी के अंदर, नए चेहरे भी हो और पार्टी में जिताऊ उम्मीदवार भी हो। जोधपुर सीट से जिस तरीके से वैभव गहलोत को उतारा है
ये कहा जाए कि परिवारवाद का आरोप भी लग सकता था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, लेकिन जीत के कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पार्टी जो है पूरी तरीके से पुख्ता जीत की रणनीति बनाकर उन्होंने वैभव गहलोत को उतारा है, और इन चुनाव लड़ने के बाद आगे किस तरीके से वो जीत हासिल कर पाएंगे, एक परंपरागत जीत को सुनिश्चित किया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए वैभव गहलोत को वहां से उतारा गया है। जी प्रीत, आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे अगर वैभव गहलोत को उतारा गया है तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप लग सकता था, क्योंकि वैभव गहलोत अशोक गहलोत के पुत्र है। लेकिन फिलहाल फिर भी मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आखिर जो लिस्ट अभी जारी की गई है, उन नामों की एक बार फिर में बताएं कि उनमें कितने नए नए चेहरों को शामिल किया गया है और कितने पुराने चेहरे इसमें रहे हैं। जी बिल्कुल रौनक, जिस तरीके से सुभाष महेरिया सीकर से उनको टिकट दिया है, पार्टी के पुराने नेता हैं, अलवर से जिस तरीके से जितेंद्र सिंह को टिकट दिया है, राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, उदयपुर से रघुवीर मीणा पीडब्ल्यूसी में पार्टी के सदस्य रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस हैं, इसके साथ ही डूंगरपुर बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरिया को टिकट दिया है, एक लंबे समय से जो ये जीतते आ रहे हैं, इनके अलावा कोई वहां पर दूसरा दावेदार भी नहीं था पार्टी के पास, तो इस तरीके से लंबे अनुभव को शामिल किया गया है। पार्टी ने चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह इटावा को जो टिकट दिए हैं, ये भी पुराने चेहरे माने जाते हैं, जालौर से सिरोही से जतन देवासी को टिकट दी गई है, एक्सपेक्टेड था, तो तमाम ये जो एक्सपीरियंस जो चेहरे हैं पार्टी ने इनको शामिल किया है, नए चेहरे भी हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से युवा पीढ़ी में ज्योति खंडेलवाल को युवा माना जा सकता है, इसके साथ ही सविता मीणा जो महिलाओं को भी तरजीह दी गई है, सबसे बड़ी बात ये है कि से तीन उम्मीदवार जो हैं यहाँ पर महिलाएं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा से युवाओं को तरजीह देने की, महिलाओं को तरजीह देने की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस सूची में केवल और केवल 18 उम्मीदवारों के नाम में रौनक आप 5 युवा चेहरों को देख सकते हैं। जी प्रीत, बात की जाए तो जहां पर कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि जो मंत्री फिलहाल अभी हैं उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी, जो अलग है उन्हें टिकट देकर के लोकसभा क्षेत्र में उतारा जाएगा, यानी कि उनकी कही बात बिल्कुल सही साबित हो रही है कि इसमें जो विधायक पद जिन्होंने जीता है उनको टिकट नहीं दिया गया इसमें। देखिए रौनक, पार्टी में चाहे वो अशोक गहलोत हो या प्रभारी अविनाश पांडे हो, उनका एकमात्र पैमाना था जिताऊ उम्मीदवार, अगर पार्टी में वरिष्ठ चेहरा है और वो मंत्री भी है, ऐसे में उनको चुनाव लड़ाया जा सकता था, यही वजह है कि सचिन पायलट और रघु शर्मा जैसे नेता जो है चुनाव लड़ने के लिए उनको तैयार किया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में, इस सूची में जो 18 नामों की सूची आई है कांग्रेस की, इसमें ना तो रघु शर्मा है, ना ही सचिन पायलट है, और ना ही कोई और जो वरिष्ठ नेता है जो मंत्री रह चुके हैं उनको टिकट दी गई है, तो सबसे खास बात यह है कि पार्टी ने इस समीकरण को भी ध्यान में रखा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपने ही नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी थी और कई सीटों पर जो है निर्दलीय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा था, इस बार ऐसा जो है विरोध झेलना ना पड़े, इसलिए पार्टी ने इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी एक तरीके से खुश रखने का प्रयास किया, उनको भी भरोसे में लेने का प्रयास किया है। जिस तरीके से ये लिस्ट जारी की गई है काफी सोची समझी रणनीति के तहत रौनक की लिस्ट जारी की गई है, ऐसे में रघु शर्मा सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेताओं की एडवाइस का बहुत ही ख्याल रखा गया है। जी जी तमाम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की ओर से सूची जारी की गई है, सूची के अंदर जो नाम तमाम थे उन नामों को आपके सामने बताया गया है कि किन नामों को कांग्रेस ने जो अभी लिस्ट जारी करी है उस लिस्ट में जो तमाम नाम थे उन नामों को और कहां से वो लोकसभा उम्मीदवार रहेंगे उनको विथ फोटो हमने आपको दिखाया है, कांग्रेस की ओर से सूची जारी कर दी गई है। उसके अलावा बात की जाए तो हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। जयपुर से ज्योति खंडेलवाल को इसमें शामिल किया गया है, सविता मीणा को इसमें टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो राहुल गांधी की कई बात सच हो रही है कि उन्होंने युवाओं को इसमें शामिल किया है और नई ऊर्जा के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है, क्योंकि इसमें जितने भी जो नाम हैं वो नए हैं, कुछ पुराने हैं, लेकिन फिर भी युवाओं को उन्होंने तरजीह दी है, युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है।
देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।